इस वक्त की बड़ी खबर ब्रुनेई से आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने पहले ब्रुनेई दारुस्सलाम दौरे पर पहुंच चुके हैं और किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की ये यहां पहली द्विपक्षीय यात्रा है। एक विशेष सम्मान के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ब्रुनेई दारुस्सलाम में क्राउन प्रिंस हाजी अल मुहतादी बिस्मिल्ला बिलाह ने विशेष स्वागत किया। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गर्मजोशी से स्वागत हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत में बड़ी संख्या में भारतीय समुदाय जो ब्रुनेई में रह रहा था वो भी आज मौजूद था। ब्रुनेई में इस समय लगभग 14,000 भारतीय है और ब्रुनेई के विकास में और दोनों देशों के संबंधों को और आगे ले जाने में भारतीय समुदाय की एक बड़ी भूमिका रही है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत 3 दिनों की 2 देशों की यात्रा पर है और यह उनका पहला पड़ाव है। ब्रुनेई पहला पड़ाव है और अगले चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिंगापुर पहुंचेंगे। भारत और ब्रुनेई के बीच इस साल राजनयिक संबंधों को 40 वर्ष पूरे हो चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रुनेई के सुल्तान हाजी हसनल बोकैया के निमंत्रण पर यह दौरा कर रहे हैं। विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को एक बयान जारी कर कहा था कि ब्रुनेई भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी और इंडो पैसिफिक के विजन के की दृष्टि से एक बहुत महत्वपूर्ण साझेदार है। इसके जरिए भारत हिंद प्रशांत महासागर में यानी इंडो पैसिफिक में चीन के बढ़ते वर्चस्व को काउंटर करना चाहता है। ब्रुनेई समुद्री सीमा वाला देश है। देश की उत्तरी सीमा दक्षिण चीन से लगती है। हाल ही में चीन ने फिलीपींस के एक जहाज को टक्कर मार दी थी और इस क्षेत्र में अपनी दबंगई दिखाने का प्रयास किया था। साउथ चाइना सी को लेकर ब्रुनेई का भी चीन के साथ विवाद है। ब्रुनेई दौरा पूरा करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 और 5 सितंबर को सिंगापुर का दौरा करेंगे और इस दौरान वो सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 वर्ष बाद सिंगापुर का दौरा कर रहे हैं। 2018 में वो आसियान सम्मेलन के लिए सिंगापुर गए थे और उनकी ये यात्रा भी बेहद महत्वपूर्ण है। मेरी सहयोगी गीता मोहन ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रही हैं। गीता, एक्ट ईस्ट पॉलिसी, हिंद प्रशांत महासागर में भारत का बढ़ता महत्व, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की दृष्टि से भी अगर भारत बात करे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और पीपल टू पीपल टाइज, हर दृष्टि से प्रधानमंत्री का यह दौरा बेहद महत्वपूर्ण है। रिन्यूएबल एनर्जी एक नया क्षेत्र है जिसमें साझेदारी को बढ़ाने की बात हो रही है। हर बार जब जब हमने देखा है गौरव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजिट्स, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बहुत जियो स्ट्रेटेजिक पोजीशन की तरफ से अगर देखें बहुत इम्पोर्टेंट विजिट माना जाता है। इस बार अगर आप देखें, आपने बिल्कुल सही कहा, एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत हम देख रहे हैं ब्रुनेई और सिंगापुर का विजिट। ये पहला विजिट है एक भारतीय प्रधानमंत्री का ब्रुनेई में। ये अपने में बताता है कि भारत क्या इम्पोर्टेंस अटैच करता है इस पूरे क्षेत्र और इस पूरे रीजन में। ब्रुनेई में 14,000 भारतीय समुदाय के लोग रहते हैं, इंडियन डायस्पोरा के लोग रहते हैं। प्रधानमंत्री न केवल वो एम्फेसिस देंगे जो रीजनल और इंडो पैसिफिक कोऑपरेशन की बात करते हैं, डिफेंस टाइज की बात करते हैं, जैसे आपने कहा हाइड्रोकार्बन्स की बात करते हैं, लेकिन वहां पर जो भारतीय समुदाय के लोग हैं उनसे भी मुलाकात करेंगे। देखिए, हमेशा अगर आप देखें अपने हर विजिट में उन्होंने एक पहलू जो उनके विजिट का होता है वो भारतीय समुदाय से मिलना होता है। और अगर आप यहाँ देखें, यहाँ पर भी प्रधानमंत्री का जो स्वागत है वो भारतीय समुदाय के लोगों के द्वारा ही हो रहा है। तो बहुत ही स्मॉल इंटरैक्शन भी होगा, छोटा सा इंटरैक्शन भी होगा इन लोगों के साथ। अगर आप देखें तो सेल्फीज का जो दौर है वो अभी तक खत्म नहीं हुआ है, ये चलता रहेगा। लेकिन ब्रुनेई अपने में बहुत महत्वपूर्ण है,
एक ऐसी जगह जहां से हमें हाइड्रोकार्बन का बहुत बड़ा एक कोऑपरेशन मिलता है, एमओयू साइन होने वाले हैं दोनों देशों के बीच, टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, डिफेंस की बात हो रही है, स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन की बात हो रही है ब्रुनाई और भारत के बीच। और इसके साथ ही जब वो अगला पड़ाव शुरू करेंगे सिंगापुर में, वहां पर भी इन्हीं सब चीजों पर बात होने वाली है। तो एक बहुत महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट विजिट इंडिया के एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत, क्योंकि ये क्षेत्र जहां चीन अपना दबदबा लगातार बढ़ाने की कोशिश कर रहा है वहां भारत की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका है। और ये जो भारतीय समुदाय को आप यहां देख रहे हैं ये एक ह्यूमन ब्रिज है भारत और इन देशों के बीच। गीता, फिलहाल इस जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनको हम अब इस रिपोर्ट के जरिए बताने का प्रयास करते हैं कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जो दौरा है, पहले ब्रुनेई दारुसलाम और फिर सिंगापुर, ये कितना महत्वपूर्ण है। जब चीन दक्षिणी चीन सागर में दबंगई कर रहा है, जब वो भारत को नेपाल, श्रीलंका, मालदीव और पाकिस्तान से घेरने की कोशिश कर रहा है, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसकी दबंगई का जवाब देने के लिए पहले ब्रुनेई और फिर सिंगापुर के दौरे पर हैं। ब्रुनेई के साथ कूटनीतिक रिश्तों के 40 साल पूरे हो रहे हैं तो मोदी सरकार की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के भी 10 साल हो चुके हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि यह दौरा कितना अहम है। जहां तक ब्रुनेई की बात है तो तेल और गैस संसाधनों के चलते ये बेहद अमीर देश सुर्खियों में भले ही ना रहे, लेकिन भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी में बेहद अहम रोल निभाता है। इसकी लोकेशन ऐसी है कि इसे दक्षिण चीन सागर में प्रवेश का द्वार कहा जा सकता है। वहीं दक्षिण चीन सागर में जहां चीन ने हाल ही में फिलीपींस के जहाज को टक्कर मारी, उस पर पानी की बौछार की थी। दबंग चीन से निपटने के लिए भारत ने कुछ महीने पहले ही फिलीपींस को $357 मिलियन की ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल दी थी। पीएम मोदी का यह दौरा खास तौर पर अहम है क्योंकि चीन इस समय इस क्षेत्र में अपना दबदबा बढ़ा रहा है। ब्रुनेई के साथ भारत के रक्षा संबंध मजबूत हो रहे हैं। हाल ही में भारतीय नौसेना के जहाज ब्रुनेई पहुंचे, यहां दोनों देशों ने साझा युद्धाभ्यास किया। इसी साल पहली बार ब्रुनेई में हुए डिफेंस एक्सपो में भारतीय कंपनियों ने हिस्सा लिया था। सिंगापुर की बात करें तो प्रधानमंत्री का यह दूसरा दौरा है। इससे पहले 2015 में पीएम मोदी सिंगापुर आए थे, तब भी उन्होंने कहा था कि सिंगापुर से बहुत कुछ सीखना है। भारत महान देश है, भारत विशाल देश है, 125 करोड़ देशवासियों का देश है, सब कुछ है, फिर भी सिंगापुर से बहुत कुछ सीखना भी है। इस बार उनका दौरा भारत को उसी रफ्तार से आगे ले जाने के मुद्दे को लेकर जिस रफ्तार से सिंगापुर ने तरक्की की है। अगस्त में भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, विदेश मंत्री एस जयशंकर, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव सिंगापुर में अपने समकक्ष मंत्रियों से मिले थे। उस दौरे में किए गए जमीनी काम पर अब प्रधानमंत्री मोहर लगाएंगे। महज 50 लाख की आबादी और आधी दिल्ली जितनी जमीन के बावजूद सिंगापुर इस क्षेत्र में आर्थिक महाशक्ति है। भारत के साथ सिंगापुर का पुराना रिश्ता है। यहाँ तमिल चौथी राजकीय भाषा है और सिंगापुर नाम भी संस्कृत भाषा से लिया गया है। रक्षा क्षेत्र में भारत सिंगापुर की दोस्ती मजबूत है। दोनों देश साथ साथ नौसैनिक युद्धाभ्यास करते रहे। सिंगापुर अपने एयरबेस का इस्तेमाल भारतीय वायुसेना को ट्रेनिंग के लिए देता है। नौसेना भी इसके चंगी नेवल बेस का इस्तेमाल करती है। 2017 में हुए समझौते के बाद दोनों देश एक दूसरे के जहाजों, विमानों को अपने बेस पर ठहरने और इंजन भराने की इजाजत देते हैं। 1965 में आजादी के बाद सिंगापुर को चीन के साथ ही मलेशिया और इंडोनेशिया जैसे देशों से खतरा था। उस दौरान ही उसने भारत के साथ सामरिक समझौते किए। 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध में सिंगापुर ने भारत का समर्थन किया। आज भी सिंगापुर कश्मीर विवाद में भारत का समर्थन करता है। टेरर फाइनेंस के मामले में भी वो भारत के हित में कार्रवाई करता है। वहीं भारत की तरह ही सिंगापुर अवरोध मुक्त प्रशांत महासागर का समर्थन करता है। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे में ये दोस्ती और मजबूत होगी। आज तक ब्यूरो, यह आपको बताने का प्रयास था कि कितनी महत्वपूर्ण है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा, न केवल ब्रुनेई की बल्कि उसके बाद सिंगापुर की भी।